गोल अचीवर्स यूट्यूब चैनल यूट्यूब का फर्स्ट ऐसा यूट्यूब चैनल है जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के सोल्जर्स और ऑफिसर्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है और उनके द्वारा संचालित किया जाता है। जैसे कि आप सभी ने इंट्रो में देख ही लिया होगा, जैसे कि आर्मी ऑफिसर्स ऑफिसर्स सोल्जर्स और मेडिकल ऑफिसर्स का। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही हम कोई मेडिकल के रिगार्डिंग वीडियोज़ अपलोड करेंगे, फिजिकल के रिगार्डिंग वीडियोज़ अपलोड करेंगे या फिर आपके भर्ती के रिगार्डिंग हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास वीडियोज़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल अचीवर्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी का रिटर्न एग्जाम किस प्रकार होता है। सारी डिटेल्स हम कवर करने वाले हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, कितने मार्क्स का होता है, कहां पर होता है एग्जाम और कितने बंदों का बैच बनता है और कितने बंदे क्वालिफाइड करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि आपका रिटर्न एग्जाम कहाँ होता है। इंडियन आर्मी का रिटर्न एग्जाम खुले ग्राउंड में होता है, खुले मैदान में होता है। जो आप ARO BRO की जो भर्ती देख रहे हैं उसका जो ग्राउंड होता है वहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम होता है। और यहाँ पे 20-40 बंदों का बैच बनता है, हर एक को सीरीज वाइज बिठाया जाता है, हर एक को एक लाइन वाइज में बिठाया जाता है, 20-40 बंदों का बैच बनता है। तो सेकंड क्वेश्चन आप सभी के माइंड में आता है कि आपका रिटर्न एग्जाम कितने मार्क्स का होता है। आपका रिटर्न एग्जाम GD और ट्रेडमेंट्स का 100 मार्क्स का होता है और बाकी जितनी भी पोस्टें आती है जैसे क्लर्क, स्टोर कीपर, नर्सिंग असिस्टेंट, इन सभी का जो है 200 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। रिटर्न एग्जामिनेशन में इंडियन आर्मी के 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/4 आपको नोट डाउन कर लेना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग कंपल्स है और हर एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि कितने बंदों को सिलेक्ट किया जाता है। अगर देखो एग्जाम्पल के जरिए आपको मैं समझाना चाहूँगा, अगर वैकेंसीज 100 है, 100 वैकेंसीज है तो वहाँ पर 400 बंदे रिटर्न एग्जामिनेशन देने आने वाले हैं। मीन्स तीन गुना ज़्यादा या चार गुना ज़्यादा बंदे वो लोग रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बुलाते हैं। जैसे कि चार में से आपका एक नंबर लगने का चांसेस होते हैं, मीन्स फोर में से एक की प्रोबेबिलिटी होती है कि वह आर्मी में सेलेक्ट हो जाए। इसलिए आप इंडियन आर्मी के रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया करें। और आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।